छत्तीसगढ़ के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के विधायक धरमलाल कौशिक राजनांदगांव जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहे। वहीं वे पंचमी के देर रात को धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे। डोंगरगढ़ पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष का भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। डोंगरगढ़ में धरमलाल कौशिक ने विश्व प्रसिद्ध माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर पहुंचकर माता की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस सहित सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। कहा उन्होंने कांग्रेस में हो रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पर तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी में 45 साल बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है वे लोकतंत्र की बात करते हैं और दुहाई देते हैं। हमारे बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकतंत्र यदि कही है तो वह भारतीय जनता पार्टी में है। सीएम और कांग्रेसियों को यह बोलने का अधिकार भी नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटने वाले हैं। वहीं प्रदेश में बढ़ रहे क्राइम और बिगड़ रहे लॉ एंड ऑर्डर पर भी पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस की प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लगातार दुर्ग जिले में हत्याएं हो रही हैं, जहां महारथी लोग विद्यमान हैं, मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री। जब मुख्यमंत्री का गृह जिला सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश के लोग खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। कभी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं तो कभी गृह मंत्री तो कभी चीफ सेक्रेटरी पर उनका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। पुलिस है वह सहमी हुई है और अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। वहीं चुनावी साल करीब आ रहा है और प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल के नेता बयानबाजी में आमने सामने आ चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप खुलकर देखने को मिल रहा है। बता रहे हैं कितने 45 साल में चुनाव हुए हैं, वो लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे बूथ के अध्यक्ष से मंडल अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकतंत्र यदि कहीं है पार्टी में तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। कम से कम सीएम को और कांग्रेसियों को तो बोलने का अधिकार भी नहीं है। लोकतंत्र की जो बात करें, लोकतंत्र के गला घोटने वाले, न पार्टी के अंदर उनके लोकतंत्र है, न पार्टी के बाहर लोकतंत्र है। चार मर्डर, ये पहली घटना नहीं है। इसके बाद में बठेना की घटना है, उसके एक खूड़ा क्या नाम है उसका और घटना है जहां मैं गया था। एक जगह चार लोगों की हत्या हुई है, पांच लोग जल के मरे हैं, कल चार हत्या हुई है। ये सब दुर्ग जिले में है जहां पर महारथी लोग यहां विराजमान है। मुख्यमंत्री से लेकर के गृह मंत्री रविंद्र चौबे से लेकर के सारे मंत्री यहाँ पर है। जब मुख्यमंत्री का जिला सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कैसे करेंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल कानून और व्यवस्था को लेकर के खड़े कर रही है। और मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था पूरे चरमरा गई है। इस सरकार में आने के बाद में लगातार अपराध में वृद्धि हो रही है और रोक पाने में असफल हैं। एक दिन मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं, एक दिन गृह मंत्री करते हैं, चीफ सेक्रेटरी करते हैं, आखिर इनका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। जो पुलिस है वो सहमे हुए हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो कमी है इस सरकार के आने के बाद में वो छत्तीसगढ़ में लगातार दिखाई दे रहा है।